पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज दोपहर 3:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में 11 जजों के सामने भारत की दमदार दलीलों पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने की जल्दी नहीं करेगा। भारत की ओर से वकील हरीश सालवे ने पाकिस्तान पर कुलभूषण को काउंसलर मदद न देकर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने इस बारे में 16 बार अपील की थी। नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। जासूसी के आरोप में कुलभूषण को पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी। देश के 125 करोड़ लोग नमक से लेकर कार खरीदने जैसी सर्विसेज के लिए कितना टैक्स भरेंगे? श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जेटली के अलावा काउंसिल में उनके मंत्रालय के अफसर और देश के अलग अलग राज्यों के 32 वित्त मंत्री शामिल होंगे। कश्मीर घाटी में हालिया हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर इस बैठक के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 5वें दिन केंद्र सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक की परंपरा इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं है और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने से मुस्लिम धर्म पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ तक आस्था का सवाल है उस पर कोई प्रश्न नहीं है, आस्था के ऊपर कोई बात नहीं है। सेक्युलर नेशन में ये होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस है वो संविधान की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, फंडामेंटल राइट्स को मीट करे, समाज को जो है वो मीट करे। इससे पहले कोर्ट में AIMPLB के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ट्रिपल तलाक बैन करने की बात से मुस्लिमों का रुख सख्त हो सकता है और इसे कानूनी चुनौती देने से खत्म हो रही परंपरा फिर से जिंदा हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने AIMPLB से पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामे में ही ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प दिया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अच्छा सुझाव है, लेकिन AIMPLB ने कहा कि उनकी संस्था की एडवाइजरी सभी काजियों के लिए मान्य नहीं है। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि कुरान में कहीं भी तलाक के बिदत का उल्लेख नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली लड़कियों की भूख हड़ताल के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को स्कूल अपग्रेड करने की चिट्ठी सौंपी, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रणा करने के बाद गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है। जीत गए हम ये लड़ाई, हमें पता था हम जीत लेंगे। बस हम तो देश की सेवा करेंगे, जो हमारे काम होगा वो हम जरूर करेंगे देश के लिए। रेवाड़ी के गोठड़ा ठप्पा डहीना गांव में पहले 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी, अब स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होगी। लड़कियां यहां 8 दिनों से अनशन पर बैठी थी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। छेड़खानी की घटनाओं से परेशान होकर लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई से 3 देशों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू करेंगे। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे, जबकि 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। प्रधानमंत्री की जर्मनी और स्पेन की यात्रा द्विपक्षीय यात्रा होगी। रूस के दौरे में पीएम को स्पिफ यानी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की उम्मीद है, जिसमें कारोबार, निवेश और रक्षा परमाणु सहयोग पर भी बात हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के एक शब्द पर जेटली ने कड़ी आपत्ति जताई। राम जेठमलानी क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ मिस्टर अरुण जेटली। He started making personal allegations. कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के ADG SN रावत को इलाहाबाद जोन का ADG बनाया गया है। बरेली के SSP आकाश कुलहरी और इलाहाबाद के SSP शलभ माथुर को हटाया गया है। ताज़ा फेरबदल को मिलाकर योगी सरकार अब तक करीब 200 बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला कर चुकी है। एक और फेरबदल के तहत यूपी के प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा को भी हटाया गया है। देवाशीष पांडा की जगह आलोक कुमार अब यूपी के नए प्रमुख सचिव गृह होंगे। न्यूक्लियर पावर पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
मोदी कैबिनेट ने देश में 7000 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर लगाने की बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि इससे देश में 70,000 करोड़ का नया बिजनेस तैयार होगा और 33,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। देश में रोजगार के अवसर बने, देश स्वावलंबी बने, देश आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट नेशन। दिस रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। कैबिनेट ने कई और भी फैसले लिए। कैबिनेट ने पावर सेक्टर से लिए गए कोल लिंकेज पॉलिसी शक्ति को भी मंजूरी दी। इससे पावर प्लांट्स को ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। कैबिनेट ने ब्लैक मनी से जुड़ी टैक्स संधि में भी संशोधन का फैसला किया। इसे लागू करने के लिए भारत मल्टीलेटरल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करेगा। कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को भी मंजूरी देने का बड़ा फैसला किया। इसका फायदा सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर मिलेगा। कैबिनेट ने पब्लिक प्रमाइसिस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट में भी संशोधन को मंजूरी दी। इससे सरकारी बंगलों में टर्म पूरा होने के बाद भी डटे नेताओं अफसरों को बंगले से बाहर किया जा सकेगा। पीएम मोदी पर फतवा देने वाले नूर अल रहमान बरकती को कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद ट्रस्ट ने बुधवार को शाही इमाम के ओहदे से हटा दिया। मस्जिद बोर्ड ने कहा कि बरकती के फतवों ने पूरी मुसलमान कौम को शर्मिंदा किया है। बरकती ने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग भी की थी। टीपू सुल्तान मस्जिद के जो इमाम थे जनाब नूर अल रहमान बरकती, उनको हटाने के लिए बाकायदा लीगल नोटिस हम लोग भेज चुके। वो आज की तारीख के बाद नहीं। लेकिन बरकती ने शाही इमाम का पद छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वो फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। बरकती ने आरोप लगाया कि मस्जिद ट्रस्ट में आरएसएस के लोग घुस चुके हैं। इमाम है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उसको कोई टर्मिनेटेड का लफ्ज नहीं आ सकता, उसको कोई सैलरी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोर्ड से 2,500 रुपया लेते। बरकती ने गाड़ी से लाल बत्ती हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर ममता बनर्जी को अपशब्द भी कहे थे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे साफ रेलवे स्टेशन है, जबकि बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सर्वे में बात सामने आई है। बड़े स्टेशनों की साफ सफाई के मामले में विशाखापट्टनम के बाद तेलंगाना का सिकंदराबाद दूसरे और जम्मू तवी स्टेशन तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली का आनंद विहार स्टेशन सर्वे में पांचवें, जबकि वाराणसी 14वें नंबर पर रहा। छोटे स्टेशनों में पंजाब का ब्यास सबसे साफ है, जबकि बिहार का जोगबनी सबसे गंदा। कुल मिलाकर 407 स्टेशनों का सर्वे किया गया, जिनमें से 75 बड़े और 332 छोटे स्टेशन हैं। अभी 200 ट्रेन का भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट क्लीनलीनेस के तहत हम करेंगे और ये उम्मीद है आगे अगले साल में शायद टैक्स का भी हम करेंगे।